तो नमस्कार दोस्तों, आप जो देख रहे हैं ये लाइन लगी है रुद्राक्ष प्राप्त करने के लिए सीहोर में, जो भगवान शिव शंकर का देव स्थान है वहाँ पर रुद्राक्ष वितरण हो रहे हैं। तो जो भी व्यक्ति रुद्राक्ष प्राप्त करना चाहे वो ले सकते हैं। और ये आपने जो देखा था, ये एक विशाल शिवलिंग का निर्माण हो रहा है। ये सामने आप देख सकते हैं, ये विशाल शिवलिंग का निर्माण हो रहा है सीहोर में। और इसको सीहोर ही बोलेंगे, पास में ही है ये जगह, थोड़ी दूर है पर तो सीहोर ही बोलेंगे। तो ये भव्य मंदिर का निर्माण भी हो रहा है यहाँ पर। और ये देखिए, चार लाइनें लगती हैं। सुबह जो जल्दी आता है तो वो जल्दी फ्री हो जाते हैं, और लेट हो जाओगे तो भैया टाइम लग जाएगा आपको 3 से 4 घंटे, क्योंकि लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं रुद्राक्ष लेने के लिए। देखिए जेंट्सों की 2 लाइनें अलग लगी हैं, आप देख सकते हैं ये जेंट्सों की लाइन है और खुले में है, कोई टीन सेट नहीं है, तो इसलिए बच्चों को ना लाएं, छोटे बच्चे बीमार हो सकते हैं। ये देखिए खुले में बैठे हैं, यहाँ पर अभी टीन सेट का निर्माण चल रहा है। ये देखिए बाकी की जनता ये बैठी है, स्टेडियम जैसा है ये अभी बन रहा है, इसमें खुले में बैठे हैं लोग, छाए तक नहीं है, पानी की व्यवस्था है, बाकी सारी व्यवस्था है, पर अभी मंदिर निर्माण हो रहा है इसलिए ज़्यादा सुविधाएँ नहीं है। तो आने वाले समय में और भव्य और दिव्य मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। तो मैं यही बोलूँगा, आप एक बार मंदिर ज़रूर आएँ, साथ में पानी की व्यवस्था के साथ आएँ, और जो भी है सामान सट्टा साथ लेकर आएँ, क्योंकि अभी मंदिर अंडर कंस्ट्रक्शन है, मतलब अभी बन रहा है, इसमें आप लोगों को थोड़ी दर्शन करने में समस्या हो सकती है। तो भगवान के दर पर आएँ तो अपनी पूरी सज्जो सामान के साथ आएँ। ये देखिए ये विशाल शिवलिंग का निर्माण हो रहा है, बगल में ये स्टेडियम है, ये पानी पीने के नल लगे हैं साथ में, ये आप लोग यहाँ पर बैठकर खाना पीना कर सकते हैं। ये भगवान राम का दरबार बन रहा है, और ये हॉल है जहाँ जो रात्रि रुककर विश्राम करना चाहते हों वो सो सकते हैं। ये मुरली मनोहर गौशाला है। तो दोस्तों ये पूरी व्यवस्था की गई है, ये पूरी, ये देखिए औरतों की एक अलग से लाइन लगी है, 4 लाइन लगती हैं दोस्तों सुबह से, 2 जेंट्स की लगती हैं, 2 लेडीज़ की, 2 जेंट्स की, 2 जेंट्स की ये लगी हैं। शर्म करो, शर्म करो। इसके बाजू में ये देखिए एक जेंट्स की लाइन ये लगी है, पुरुषों की लाइनें 2 रहती हैं और 2 लाइनें लेडीज़ों की रहती हैं। आज सुबह 6:30 बजे मैं आ गया था, फिर भी आप समझ लीजिए तकरीबन 2 से 2.5 लाख लोगों की भीड़ होगी जो रुद्राक्ष ग्रहण प्राप्त करने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो सभी एक बार ज़रूर आएँ और रुद्राक्ष प्राप्त करें, और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों ये स्थान बन रहा है जहाँ पर बैठकर भगवत गीता, श्रीमद् भागवत गीता कथा पुराण होंगी, और अपनी सुविधा के साथ आएँ, क्योंकि आज मैं आया हूँ तो आज कम से कम आप समझ लीजिए 200 से 300 के तकरीबन 4 व्हीलर वाहन ही खड़े थे, पार्किंग में जगह नहीं थी 4 व्हीलर पार्क करने की। और ये गौशाला है, मुरली मनोहर गौशाला, इसी के पास में सभी के लिए पानी पीने के लिए ये नल लगे हैं, सामने आप देख सकते हैं ये पानी पीने की सुविधा है। और ये विशाल शिवलिंग का निर्माण हो रहा है, इसी के बगल में राम दरबार बन रहा है, ये आप देख सकते हैं राम लक्ष्मण के लिए भव्य दिव्य दरबार बन रहा है मंदिर, ये मंदिर निर्माण हो रहा है। और ये हॉल है जिसमें आप आराम कर सकते हैं, ये पास में ही मुरली मनोहर गौशाला है, इसी के पास में पीने के पानी की सुविधा है। तो दोस्तों आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ऐसे ही मनोरंजक धार्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद, आप सभी का सपोर्ट ऐसे ही बना रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।